नमस्कार, मैं सलामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में जो कब्रिस्तान का मुद्दा है उसको लेकर एमआईएम पार्टी ने कल यहाँ मुंब्रा स्टेशन पर जो है सिग्नेचर अभियान चलाया था, लेकिन कुछ देर बाद जो है उसे बंद करा दिया गया था, ये कहकर कि आपने परमिशन नहीं ली है। ये वही जगह है जहाँ पर यहाँ एमआईएम पार्टी के लोगों ने टेबल लगाकर जो है सिग्नेचर अभियान चलाया था, लेकिन उनको जो है टेबल हटवा दिया गया था। परमिशन दी गई कि आप सिर्फ खड़े होकर जो है सिग्नेचर करा सकते हैं। उनको यहाँ से जो है पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया कि आपने जो है परमिशन नहीं ली थी। इसके बाद आज उन्हें जो है परमिशन मिली है। आज फिर वो दूसरे दिन यहाँ पर जो है सिग्नेचर का जो है कैंपेन चला रहे हैं मुंब्रा स्टेशन एम गेट पर। और कब्रिस्तान का जो मुद्दा है वो बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर लटका हुआ है और मिल नहीं रहा है, जिसको लेकर एमआईएम पार्टी के जो है सैफ पठान जो है यहाँ पर जो है मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर कल क्यों उनका सिग्नेचर अभियान रोक दिया गया था। आप सिग्नेचर अभियान यहाँ चला रहे थे टेबल लगाकर बाकायदा, तो आप ऐसा क्या हुआ कि जो है आपके सिग्नेचर अभियान को रोक दिया गया? देखिए, हम लोगों ने दो दिन पहले ही सर को इंटीमेट कर दिया था कि हम लोग यानी सिग्नेचर अभियान करने वाले, लेकिन उनका ऐसा कहना था कि उन लोगों की तरफ से परमिशन नहीं हुई हमें। हम लोगों ने लेटर दिया हुआ था लेकिन लिखित में था नहीं, इस वजह से उन लोगों ने हमें मना किया कि देखिए परमिशन नहीं है, हम लोगों ने भी बंदोबस्त वगैरह दिया नहीं है, आप आज बंद कर दीजिए जो भी है पीसफुली, कल आप सेकंड डे बोला हम परमिशन देते हैं। फिर उन लोगों ने आज मुझे लीगली परमिशन दी है, लिखित में दी है कि मुझे सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक यानी सिग्नेचर अभियान चलाना है, और जिस तरीके से चलाना आप देख ही रहे हो। आज आपने टेबल नहीं लगाया, टेबल लगाने को, और आप आज जो है बहुत दूर दूर लोग आप लोग हैं, तो क्या इसके बारे में क्या कहा गया आपको कि इकट्ठा ना रहें, या जो ट्रैफिक समस्या को देखते हुए क्या निर्देश दिए? एक्चुअल ट्रैफिक समस्या को देखते हुए सर ने ऐसा कहा था कि टेबल लगेगा, वहाँ ज़्यादा भीड़ होगी, ट्रैफिक इशू होगा, तो हम लोगों ने ही सर से हम लोगों ने कहा कि सर हम लोग डिवाइड होकर के खड़े हो जाएंगे, हम लोग मॉब लगा करके नहीं खड़े होंगे, और हम लोगों को सिग्नेचर चाहिए क्योंकि हम लोगों को आगे केस वगैरह करना है इसके खिलाफ, जो भी यानी करप्शन होने जा रहे हैं उसके खिलाफ, तो उस वजह से हम लोगों ने परमिशन उनसे ऐसी मांगी थी। उन लोगों ने भी हम लोगों को यही परमिशन दी कि अच्छा इकट्ठा मत खड़े रहो, दूरी दूरी पर खड़े रहो और सिग्नेचर लीजिए, लोगों से फोर्सफुली नहीं लेना है, जो आपको देना है वो हम वैसी सिग्नेचर पहले भी ले रहे थे और अभी भी हम वैसी सिग्नेचर ले रहे हैं। आपको कितने हस्ताक्षर की ज़रूरत है? लग देखिए सिग्नेचर जितने मिले उतना कम है हम लोगों को यहाँ पर। आज हम लोगों को मिशन हम लोगों ने बनाया कि 1 लाख सिग्नेचर ले करके हम आगे का फॉलोअप करेंगे, जितने लोग नाराज़ हैं उनकी नाराज़गी पूरी दिखाएंगे, लगभग पूरा शहर नाराज़ गए इससे कि जहाँ कब्रिस्तान आज 5 साल से हमको सिर्फ बताया जा रहा है कि यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा। 2013 में हम लोगों को ऑलरेडी यानी आरक्षण आ चुका, हमको बताया जा चुका कि मित्तल ग्राउंड में कहाँ कब्रिस्तान मिलना है, उसके बाद अब नया खेल शुरू हो गया, तो हम 1 लाख कम से कम सिग्नेचर लेकर के जो लोग नाराज़ उनकी नाराज़गी दिखा करके कोर्ट भी जाएंगे और कमिश्नर साहब के पास भी निवेदन लेकर जाएंगे। तो आपने सुना जैसा कि सैफ पठान जो है यूथ प्रेसिडेंट है एमआईएम पार्टी के, और यहाँ पर जो है एमआईएम पार्टी के एक नगर सेवक शाह आलम भाई भी मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं कब्रिस्तान के मुद्दे पर। जो कब्रिस्तान का मुद्दा चल रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? भाई कब्रिस्तान का जो मुद्दा आज 5 साल से चल रहा है हमारे, और हमारे शहर में इस वक्त आबादी इतनी बढ़ गई, कब्रिस्तान हमारे पास सिर्फ 2 है, तो इससे पहले जब 2013 में प्रस्ताव पास हुआ था जो नई कब्रिस्तान दी जा रही थी मित्तल ग्राउंड के अंदर, उसी कब्रिस्तान को लेकर आज हम लोग ने जो हमारे सैफ पठान यूथ नेता हैं उन्होंने ये अभियान शुरू किया है, और ख़ासकर मुंब्रा के लोगों के लिए जो तकलीफ है कब्रिस्तान की, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये काम शुरू किया है। और जब 2013 में ये कब्रिस्तान पास हुई थी उसी जगह पे हम मांग रहे हैं, क्योंकि ये कब्रिस्तान को उठा के कुछ 2 किलोमीटर आगे कर दिया है, तो हमारी ये मांग है और मुंब्रा के लोगों की ये मांग है कि कब्रिस्तान दफन भूमि और शमशान भूमि ये तीनों चीज़ उसी जगह पे दिया जाए जिस जगह पे पास हुआ था, इसी को लेकर आज हम लोग ये सिग्नेचर अभियान शुरू किए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमको उसी जगह हमारी कब्रिस्तान मिलेगी जहाँ पे प्रस्ताव में पास हुआ था। सर, आप कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर जो इतने सालों से लटका हुआ है, आज मिल रहा है, कल मिल रहा है, अभी मिलेगा, कभी मिलेगा, कुछ अता पता है नहीं इसका, कुछ नहीं। आप लोग यहाँ पर सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ से जनता से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है सर, और लोगों को नाराज़गी भी बता रहे हैं लोग अपनी, लेकिन क्या इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि उनकी नाराज़गी, लेकिन यह है कि वो नाराज़गी के तौर पर अपनी सिग्नेचर देकर जा रहे हैं वो, और हमारा खाली एक ही मानना था कि जो कब्रिस्तान पहले अलॉट हुआ था वो रोड से करीब है,
और जो अभी फेंका गया है ना सर, वो आगे फेंका गया है 2 किलोमीटर और वो CRZ जगह पर है, जो कब्रिस्तान कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा सर। तो यहाँ पर कब्रिस्तान का जो मुद्दा है उसको लेकर मुंबरा वासियों में काफ़ी विरोध देखा जा रहा है। जैसा कि साहब पठान ने बताया कि जो है कल यहाँ पर जो है रोक दिया गया था अभियान को, लेकिन उसके बाद यहाँ पर फिर परमिशन दी गई कि आप सुबह 10 बजे से लेकर जो है 1 बजे तक का जो है हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं। हालांकि इनको ये भी कहा गया है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं जो सिग्नेचर करा रहे हैं वो दूर दूर के साइड में रहें और ट्रैफिक का ज़रा ख्याल रखा जाए, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, और टेबल ना लगाने की जो है इनको कहा गया है कि टेबल आप नहीं लगा सकते हैं इस दौरान, इन्होंने इसलिए टेबल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया। हालांकि जो यहाँ पर सिग्नेचर लोग करा रहे हैं वो लोग जो है काफ़ी यहाँ पर दूर दूर पर हैं और सिग्नेचर जो है करा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप हर जाति हर धर्म के लोग जो है यहाँ पर सिग्नेचर कर रहे हैं। सर आपको मालूम है आपने ये सिग्नेचर क्यों किया? हाँ। क्या कब्रिस्तान का मुद्दा है इसको आपको मालूम है? हाँ। क्या कहेंगे? क्या अभी कब्रिस्तान की जो जगह थी मिलनी चाहिए थी, आवर साहब ने जगह दबा के रख दी थी, अब जो हम लोग को जगह जो आगे की जगह थी वो जगह छोड़ के पीछे की जगह दे। हर धर्म हर जाति के लोग जो है इस हस्ताक्षर अभियान में जुड़ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्पना है। कल्पना, यहाँ पर जो सिग्नेचर अभियान ये चलाया जा रहा है ये आपको मालूम है किस लिए चलाया? हाँ, वो कब्रिस्तान के लिए कि मोमडिन इंसान कौन सा भी इंसान दूर जाएंगे तो इतना बॉडी लेके इतने दूर कैसे थे, पास में चाहिए, पास में होते इनके लिए अच्छा है कि बॉडी इतनी दूर लेके जाए, उनको हालत ख़राब होती है, इसके लिए वो पास में चाहिए, हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो एक जैसे सब। तो आपने सुना कि जो यहाँ पर मुंबरा के रहने वाले लोग हैं इनको जो है काफ़ी समस्या हो रही, जो कब्रिस्तान यहाँ पर दिया गया है वो काफ़ी दूर बताया जा रहा है। हालांकि आज सिग्नेचर अभियान का यहाँ जो है दूसरा दिन है और काफ़ी लोग जो है इसमें समर्थन कर रहे हैं। कैमरामैन ताहिर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंबरा।